सभी भाइयों को सुरेंद्र सनसनीवाल की तरफ से नमस्कार। आज हम आपको ये पशु दिखा रहे हैं जो हमारे पास ही खड़े हैं अपने फार्म पे। चार एनिमल हैं अपने पास, अभी चार भैंसे हैं मुर्रा नस्ल की बिक्री के लिए। एक एक करके हम आपको चारों दिखाएंगे, उनके दूध के बारे में बताएंगे, उनके काफ के बारे में बताएंगे डिटेल से। ये बातें हम बताना शुरू करें उससे मैं पहले कहना चाहूँगा कि जो भी भाई हमारे साथ नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम जो भी अगली वीडियो लेके आए उसकी जानकारी आपको मिले। तो आइए अभी एक एक करके हम इन सभी पशुओं के बारे में आपको बताते हैं। ये दूसरी बार की ब्याई हुई जोटी है, छः दांत, और इसके नीचे अभी 15 किलो दूध है और लगभग ये 10 दिन की ब्याई होगी। इसके पीछे कटड़ा है, मेल काफ है इसके पीछे, और अभी ये दूध लगभग 17-18 किलो दूध तक चली जाएगी। इसका जो भी रेट है वो हम आपको स्क्रीन में नीचे दिखा रहे हैं। थोड़ी चला के दिखा भाई, 17-18 किलो दूध तक चली जाएगी। छः दांत अभी तोड़े ही हैं, उगे नहीं है इसके छठे दांत, ये देखिए। छः दांत जोटी है अभी, छः दांतों में से एक दांत अभी उगा है और एक दांत तो अभी उगा ही नहीं है, टूटे ही हैं, छः दांत हुई है। हम इसको ये देखिए, बिल्कुल छोटे सींग की ले चल, बहुत ही बढ़िया। ये देखिए काफ़ी बढ़िया चाल, बहुत अच्छी जोटी की। इसका मैं आपको कटड़ा भी दिखाता हूँ साथ में। ये इसका कटड़ा है, ज़्यादा अच्छा नहीं है, माथे में थोड़े से सफ़ेद बाल हैं, मुर्रा की कैटेगरी से बाहर है। ये देखिए ये जोटी है, सत्रह अठारह किलो दूध तक जाएगी। ये एक और जोटी है, पहली बार की ब्याई हुई, चार दांत, ये भी हम आपको खोल के दिखाएंगे। इसके पीछे कटड़ी है, चार दांत, ये भी अभी टूटे ही हैं, कोई 10-15 दिन पहले। अडर की क्वालिटी, थनों की क्वालिटी काफ़ी अच्छी। थोड़ा सा ये इसकी कटड़ी है, ये 10-12 दिन की ब्याई हुई होगी, ये अभी 12 दिन की ब्याई है और इसके नीचे दूध है 12 किलो। ये भी उम्मीद है 15 प्लस जाएगी जोटी। और थोड़ा हाई इसका चेहरा इस साइड कर, थोड़ा सा जोटी का सींग खुला है, बाकी कोई कमी नहीं है। इसका भी रेट हम आपको स्क्रीन में नीचे दिखाएंगे। थोड़ी सी चला के दिखा भाई, ये देखिए, अभी थोड़ी सी अडर में सोजिश है, सोजा बोलते हैं जिसको, बाई बोलते हैं, और 10-11 दिन में जब बाई वगैरह उतर जाएगी तो काफ़ी बढ़िया थन हो जाएंगे। और अभी तो थन छोटे भी हैं, लग रहे हैं, बाकी जब 30-35 दिन की ब्याई जोटी होगी तब बढ़िया साइज के थन निकल जाएंगे, बिल्कुल मुट्ठी के आकार में। ये देखिए चलन दे बीता, आराम तक। ये भी बहुत बढ़िया आर्डर की क्वालिटी है जोटी की, पहले ब्यांत की जोटी लगभग 40 दिन की ब्याई होती है, एक महीने की 40 दिन की, तब पूरा दूध बनता है उसमें। तो इसमें भी अभी टाइम लगेगा, 20 दिन में अडर काफ़ी बड़ा हो जाएगा जोटी का। ये देखिए
बहुत ही अच्छी रोटी है, कटड़ी भी इसके पीछे बहुत बढ़िया है। ये देखिए, ये वाली कटड़ी है इसके पीछे, प्योर मुर्रा नस्ल की कटड़ी है। एक भैंस और दिखा रहे हैं हम आपको अभी, ये तीसरे भैंस की भैंस है। जो भी हम आपको ये पशु दिखा रहे हैं सभी पोली चुवाई के हैं बिल्कुल, और कोई कमी नहीं है पशुओं में दोनों की, बिल्कुल नरम चुवाई के पशु हैं और हमारे फार्म पे खड़े हैं और आराम से। ये देखिए तीसरे ब्यांत की भैंस है, ये तीसरे ब्यांत की भैंस है और इसके नीचे दूध है अभी 14 किलो। ये भी 10-11 दिन की ब्याई है, इसके नीचे कटड़ा है और इसकी भी उम्मीद 17-18 किलो दूध देने की है। अडर की क्वालिटी, थनों की क्वालिटी काफ़ी अच्छी। ये देखिए, रुक भाई, डरा है। ये देखिए अडर काफ़ी बढ़िया चुवाई इसकी, बहुत ही बढ़िया है भैंस की। इस भैंस के नीचे भी कटड़ा है, ये वाला प्योर मुर्रा नस्ल का और अच्छी भैंस है दूध की। एक भैंस ये है हमारे पास, इसके नीचे अभी बस रहने देना कुल 12 किलो दूध है। और ये नई जगह आने के कारण काफ़ी नहीं रही अच्छे से, तो खाने पीने लग जाएगी। तो ये भी 15-16 किलो दूध की भैंस, अभी 12 किलो दूध है इसके नीचे। इसके नीचे भी कटड़ा है ये वाला, ये देखिए कटड़ा इसका। तो ये 4 पशु हैं हमारे पास। इस भैंस का रेट भी हम आपको स्क्रीन में नीचे दिखा रहे हैं। तो ये देखिए, ये 4 पशु हैं हमारे पास। मैं अपना नंबर भी दूंगा साथ में, जो भी भाई लेना चाहता है वो ले सकता है, और जो भी भाई देश विदेश से हमारी वीडियो देख रहे हैं, बहुत पसंद कर रहे हैं, हमें सपोर्ट कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया। और जिसको भी हमारी वीडियो पसंद आ रही है वो, और जिस भाई को भी हमारी वीडियो पसंद आ रही है वो शेयर ज़रूर करें। सभी भाइयों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार भाइयों।